सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बार यीशु मसीह यरीहो नामक जगह से होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक अंधा व्यक्ति मिला और उस समय यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी। तो जब उस अंधे व्यक्ति ने भीड़ से ये पता किया कि इस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा है, तो वह यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तो जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, उसमें से कुछ लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को डांटा कि वो अंधा चुप रहे, और वे लोग उसे समझाने लगे कि इतनी बड़ी भीड़ में यीशु मसीह तुम्हारे आवाज को कैसे पहचानेगा। लेकिन वो अंधा व्यक्ति लोगों के डांटने पर भी चुप नहीं रहा, बल्कि वो और तेज चिल्लाकर पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके आवाज को सुना और उसको अपने पास बुलाया, और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यही कि मैं देखने लगूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ही हो। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रभु के करीब आना चाहते हैं तो शैतान हमें पीछे खींचना चाहता है, हमें उसी तरह डांटता है जैसे उस भीड़ से कुछ लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को डांटा। लेकिन उस अंधे व्यक्ति के अंदर जो प्यास थी, यदि हमारे अंदर भी प्रभु को पाने की प्यास है, तो प्रभु यीशु मसीह लाखों के भीड़ में भी हमारी सुनता है। इसलिए हमें लोगों के डांटने पर या लोगों के ये बातें कहने पर कि प्रभु तुम्हारी आवाज़ को कभी नहीं सुनता, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, कुछ भी कहते हैं, हमें लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस हमें अपने अंदर एक जिद रखना है कि हाँ, मुझे प्रभु को पाना है और प्रभु मेरी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा। यदि आपके अंदर ये जिद है तो निश्चय प्रभु आपकी सुनेगा और आपके परेशानियों को दूर करेगा। और पहला क्वेश्चन आपसे यही परमेश्वर पूछेगा कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ, ठीक जैसा उस अंधे व्यक्ति से परमेश्वर ने पूछा। इसलिए हमें प्रभु को पुकारना है, चाहे लोग हमें कितना भी दबाएं, हमें और भी ऊंचे आवाज़ से उस अंधे व्यक्ति के जैसे प्रभु को पुकारना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन।